नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लेग प्रेस के बारे में। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि जिम जाके मैं किसी को लेग प्रेस करवाऊँ, फिर उससे दिखाऊँ, उसको बोलूँ कि भाई थोड़ा गलत करो, फिर गलतियाँ दिखाऊँ, फिर एक न्यू कमर को पकड़ूँ, उसको थोड़ी बेइज्जती फील होती है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, सब लोग देखेंगे, यूट्यूब पे जा रहा हूँ, दैट्स माय स्टाइल। बट आज हम घर पे बैठ के रिव्यू करेंगे लेग प्रेस की मिस्टेक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोग जब स्क्वाट मारते हैं तो दो प्लेट से भी उनको स्क्वाट नहीं लगानी आती, दो प्लेट बहुत भारी होती है उनके लिए। बट जब वो वही लोग लेग प्रेस पे आते हैं तो 7-8 प्लेट जिम की सारी प्लेटें लेग प्रेस पे लगा रहे होते हैं, और बाकी लोगों को जिसको डेडलिफ्ट मारनी होती है, जिसको कुछ और मारना होता है, बेंच मारनी होती है, वो खड़े होकर से देख रहे होते हैं कब ये बंदा लेग प्रेस अपनी खत्म करेगा, मैं वेट लूंगा। और उससे लेने जाओ अगर कि थोड़ा सा दे दो, एक आध प्लेट नहीं, बाकी है। और वो लेग प्रेस में क्या कर रहे होते हैं, DX, displacement is DX, full range of motion, कभी नाम ही नहीं सुना था। So welcome back, keep watching the video, we'll be back. Back from the dead. सो गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको पता होगा कि मेरा माइक है जो हवा में लटकता रहता है, ये डंडी जो यहाँ से आ रही है ये हवा में लटकती है, क्योंकि ये जादुई माइक है। लेग प्रेस लगा लिया भाई ने, जिम की सारी प्लेटें उन्होंने लगा लिया, आई एम श्योर जिम में सब लोग उनको गालियां दे रहे होंगे क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा रॉड लगी हुई है, मतलब बारबल भी पूरी लोडेड है भाई साहब, भी बहुत ज्यादा वेट है बंदा, मुझे पावर लिफ्टिंग स्टाइल का लग रहा है। भाई साहब ने अपने आपको चेन से बांध रखा, भाई कितना जंगली आदमी है देखो। मेरे को डर लग रहा है इसके जॉइंट्स के बारे में, भैया नी जॉइंट्स को संभाल के रखना चाहिए, लोग इतना हैवी वेट लगा लेते हैं, जॉइंट स्ट्रेंथ नहीं होती आपकी, भले मसल स्ट्रेंथ बन जाती है बट जॉइंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। भाई अब इतने में क्या तुम्हारी लेग्स एक्टिवेट होंगी, क्या कर रहे हो आप, सिर्फ अपने जोड़ों को तोड़ रहे हो, कुछ नहीं है। The displacement which is being seen in the video right in front of your eyes is DX, where DX is tending to zero. अब सबसे ज्यादा इसको परेशानी इस बात में होगी, ये सब जिम का वेट उठा के इसने अपने यहाँ लगाया, अब इसको ये उठा के वापस रीरैक करना पड़ा। I think that is the original workout, that is the workout कि जिम का वेट उठा के यहाँ तक लाए, अब इसको यहाँ से वहाँ पे लेके जाएंगे। Let us see this video. I will like to give a shout out to this YouTube channel OE Fitness जिससे मैंने वीडियो उठाया, तो shout out to you brother। भाई साहब पूरी दुनिया जहान का वेट, उन्होंने 2700 pounds, इसको अगर आधा 1200 किलो, 1200 किलो, इसके पास कोई प्रोफेशनल गियर नहीं है, इसने ना तो सूट पहना है, इसने ना बेल्ट लगाई है, इसके जूते भी प्रोफेशनल नहीं है, इसने ना तो नी रैप्स लगाए हैं। सुपर ह्यूमन सुपर मैन वाली पावर लेके बकरी वर्कआउट के भरोसे भाई उतर गए जिम में। ओ भाई साहब ये कर रहे हो तुम, हेलो 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 क्या ये रोडी सल्यूट। जिन लोगों ने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये डिस्टेंस जो उन्होंने जो रेंज ऑफ मोशन का जो था क्या था, इट इज़ नॉट इवन डीएक्स, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हाइड्रोजन गैस जब बनती है दोस्तों तो H2, मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम्स आके मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स जितना होता है उतना ही इनका रेंज ऑफ मोशन था भाई, ना के बराबर। मैं बता दूँ मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पर कम्पीट किया हुआ है, और मेरे को लेग्स बोलते थे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, काफ़ी मेरा फ्लेयर आता था, बट मैं बहुत हैवी भी अगर मार पाना भाई, 8 प्लेट तो एक एक साइड 8 और 8, उसमें मारने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, अगर पूरा नीचे तक आप मारें पूरा ऊपर तक जा रहे हैं। अगर आपको मारना वैसे ही मारिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करिए जिम में अपना, प्लीज़ वापस आ जाइए और घर पर आके मम्मी का धनिया वनिया काटिए, टमाटर प्याज काटिए, थोड़ा काम करिए। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, 18 साल हो गई फिटनेस में लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं देखी भाई, ये क्या था, ये कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में क्या था ये। ये भाई साहब इंडिया का सीन है, इंडिया में अपने ऐसे ही होता है भाई, ये अपन लोग जो है सस्ता प्री वर्कआउट हमारा, बेल्टों से मारते हैं, बेल्ट मार साले तेरी, उठाएगा तू, चल उठा, चल 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 साले उठा। भाई साहब इतना जोर के मारा, मैं उसको पलट के दो थप्पड़ लगाता है, चल नहीं उठा रहे मेरे को, तीन लोग सपोर्ट दे रहे हैं। ये बंदा लेफ्ट साइड में जो खड़ा हुआ है उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, उसने राइट साइड में दोनों से पकड़ा हुआ, नीचे गया, चलो ठीक है, ही वेंट डाउन इनफ, बट एक चीज आप देखो, एक चीज आप देखो, डिसबैलेंस हो रहा है। ये बंदा जो नीचे जा रहा है, ये बंदा पूरा स्क्वाट मार रहा है, और वो बंदा सोच रहा है दूसरा वाला, अबे छोड़ ना यार, काहे स्क्वाट मारे, काहे कच करें। ये सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है, अगर आप लोग पावर लिफ्टिंग इवेंट में नहीं जा रहे, अगर आप बॉडी बिल्डिंग पर्पज से ये कर रहे हो, और अगर आप साइड में खड़े होकर देखो, एक तो बंदा होगा लाल टी शर्ट वाला जो कि अपने आपको सपोर्ट दे रहा है, बीच से खड़ो के परफेक्टली फल में सपोर्ट दे सकते हो, मतलब साइड वाले सपोर्ट के लिए आप बंदे बुलाते हो ना, पहली बात तो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि सपोर्ट देना कैसे है, और इन दोनों की क्रॉस टॉक बिल्कुल नहीं होती। अब अगर एक साइड के बंदे ने हल्का सा ज़्यादा दे दिया, दूसरे ने हल्का सा कम दिया, आपकी कमर वहीं पे ख़त्म, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं एक बार बहुत हैवी उठा रहा था, शायद 220 किलो था, पीछे एक बंदा था तो नीचे जाके आवाज़ निकाली, बिकॉज वो ग्रंट आ गया क्योंकि इतना हैवी वेट था, और दो लोग भाग के आ गए जस्ट हेल्प करने के लिए, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा था कि हेल्प करेंगे, और एक बंदा ने उठा लिया, एक बंदा ने उठाया, तो पूरा वेट एक साइड आ गया। बहुत लोगों को भ्रम है
मैं ये भ्रम क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपको सपोर्ट लेना है, अगर आपको इतने सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है कि आपको तीन लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए, तो भाई वो वेट आपके लिए बहुत ज्यादा, उस वेट को उठा के फेंक दो, उससे आपका कोई बॉडी नहीं बनने वाली, आप अपनी ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, घर जाओ। ये देखो भाई, ये इसका जिम है, ये इसके इंस्ट्रक्टर है, पूरा उसको मोटिवेशन दे रहा है। चखेगा तू आज, तू चखेगा आज, मैं कह रहा हूं, तूने करना है, तूने तूने करना है, नहीं करेगा तो एले कंजर, एले एले उस भाई उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था, कहता माई और की करना, मैं बैठे नहीं, क्या कर रहा है, मैं जिम करना है, मैं जेल आया हूं भाई, मुझे नहीं करना यार, मुझे नहीं करना भाई, ये सब क्या लगा रखा, अरे नहीं नहीं करना भाई, ये करना करना, इसी से होगा, इसी से होगा। ओ भाई साहब, मैंने ये सही में बहुत होते हुए देखा इंडिया में, स्पेशली देसी देसी जिम्स में बहुत ज्यादा होता है, और ये इंडिया में होता है, बहुत फनी लगता है भाई ये। सबसे बढ़िया मेरा अभी इंडिया में जो जिम्स में अभी भी बोलते हैं कि अनलॉक हो गया, कुछ जिम्स नहीं खुले हुए, यही रीजन है, सरकार को पता है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि हम जिम खोलेंगे, ये सालों ने गंदगी मचा दी जिम के अंदर, लैब के ऊपर ऐसे बैठ बैठ के, तो ये सब वर्कआउट करने के लिए नहीं, ये सब इंस्टाग्राम में वायरल होने के लिए होता है। वो देखो भाई साहब, विक्ट्री विक्ट्री ब्रो, उसको पता है ये क्लिप इंस्टाग्राम के लिए बन रही है, इस भाई को पता है कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा, यहाँ हो रही है, यहाँ सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बन रही है, वो पहले पोस्ट दे रहा है। लुक एट द डिस्प्लेसमेंट गाइस, नॉट इवन अ सिंगल मसल फाइबर वाज मूव्ड दैट डे। यार इससे अच्छा मेरे बच्ची को ले यार, रसभरी को यार, वो थोड़ा झूला झूल लेगी, इतने मुशंडियों को झूला झूल लो तुम लोग यार। ये यार मेरे भाई का लेग प्रेस, ये क्या चीज है, इसमें वेट लगाए, डम्बल डम्बल डाल रखे, बट स्टिल द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज डीएक्स, इट इज डीएक्स इनटू 2, बट डीएक्स इनटू 2 इज आल्सो डीएक्स बिकॉज़ डीएक्स इज टेंडिंग टू 0, इंजीनियर्स विल गेट इट। सब लोग वही करते हैं यार, लेग प्रेस कोई ढंग से ट्रेन ही नहीं करता। लेग प्रेस इज अ ब्यूटीफुल मशीन, अगर आपको स्क्वाट मारने में दिक्कत होती है, स्क्वाट की स्ट्रेंथ आपकी कम है, आप लेग प्रेस से वो स्ट्रेंथ बना सकते हैं और उसको फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं स्क्वाट में, लेकिन ढंग से कोई लेग प्रेस मारता नहीं। ये देखो सब ईगो ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान ईगो ट्रेनिंग कर रहा है भैया। इसके बाद तुम्हारी लेग्स एक्टिवेट होना शुरू होती, जितना तुम कर रहे हो ना वहां से तो लेग्स एक्टिवेट होती भी नहीं है यार, ये लोग बिना लेग्स एक्टिवेट किए ही निकल जाते हैं। अब जैसे बाइसेप्स है, बाइसेप्स में आप ये मार रहे हो, तो अगर आप सिर्फ ये करो ये, तो आपकी बाइसेप्स एक्टिवेट होगी नहीं, मतलब इस पॉइंट के बाद ये मोशन में बाइसेप्स एक्टिवेट होती है, आप सिर्फ ये कर रहे हो, आपकी बाइसेप्स एक्टिवेट होगी नहीं, यही चीज आप कर रहे हो लेग प्रेस में। ओके गाइस, लेट्स वॉच अनदर लेग प्रेस। दो दो लोग कैमरा लेके खड़े हुए तैयार, बाइक कैमरा लेके खड़े, तो जरूर इसने कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस की होगी, तीन चार दिन मतलब काफी प्रैक्टिस प्रैक्टिस की होगी, तीन चार महीने से इसी लिफ्ट की प्रैक्टिस करा होगा, तभी दो दो कॉन्फिडेंस है कि कैमरा मैन आए हैं भाई, पहली बार थोड़ा ना कोई ऐसा करेगा कि लेट लगा दिया और कैमरा में ला लिया, नहीं प्रैक्टिस होगी इसको। ओके भाई, टांगे कापरी इसकी, टांगे कापरी इसकी, टांगे कापरी, गया 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 भाई, टांगे कापरी इसकी। अरे भाई साहब डर लग रहा है मेरे को यार, भाई भाई, अरे अरे बचाओ भाई इसको। सो गाइस, बहुत हो गया रिएक्शन वीडियो, अब हम आपको बताएंगे कि लेग प्रेस एक्चुअली करनी कैसे है। ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको लेग प्रेस मशीन में हमने बिठा दिया। लेग प्रेस मशीन पे आपके देखिए ग्लूट्स हैं, जो ये लाल कलर का जो उसका ग्लूट्स हैं, ये भी आपका कांटेक्ट होना चाहिए इस वाले पैड से, बैक आपकी कांटेक्ट होनी चाहिए यहाँ से, और ये जो गैप देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये गैप बहुत जरूरी है, बिकॉज ये गैप जब आएगा मतलब आपका जो हाथ है ना वहाँ से पास होता रहना चाहिए, इतना गैप आपका होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक पोस्चर है जो कि आपको बेंच प्रेस में मैंने बताया हुआ है, शोल्डर प्रेस में बताया हुआ है, कि मतलब जब आप बैठे तो ऐसे, एक तो क्या ऐसे बैठना होता, ऐसे जब ऐसे बैठेंगे तो बैक में आपके वो आर्च आना चाहिए। तो देखो भाई, ये अभी नीचे आना शुरू हुआ, ये देखो जैसे ही आपकी, ये देखिए जैसे ही आपकी जो एस है, जो आपकी ग्लूट्स है, अगर आपके इस पैड से ऊपर उठ जाती है, कुछ लोग होता है कि बहुत नीचे आते हैं, अगर आपका ये जो ग्लूट्स है ये पैड से ऊपर उठ रहा है, आपको फील हो जाएगा कब ऐसा हो रहा है, बस वही खत्म कर देना आपको। जैसे ही आप लेग प्रेस मार रहे हैं, आपका वेट नीचे आया, आपकी जैसी ग्लूट्स अगर इस पैड से उठना शुरू हो जाती, बस उसके नीचे आपने नहीं आना, क्योंकि जैसी ग्लूट्स उठेंगी तो जो मैंने कहा था गैप है, जो देखिए गैप है जो जहाँ से हाथ पास हो रहा है, वो गैप कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो गैप कम होगा मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसकी पोजीशन खराब होने लगेगी, बाय खराब आई मीन्स इट विल नॉट बी इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, तो आपको बस उससे नीचे नहीं आना, दैट इज द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन फॉर लेग्स। भाई साहब पूरा जिम का वेट लगा दिया बंदा, मुझे लग नहीं रहा कि इतना मारने के औकात में है वो, लेकिन वेट लग चुका है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या करता है भाई। क्यों करते हैं बंदे ये सब यार, क्यों करते हैं भाई, भाई मेरे को सिंपल एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप लेग प्रेस, ओ भाई साहब तालियां बज रही थी भाई, तालियां बज रही थी भाई, मतलब जो मार रहा है उससे भी बड़े वाले हैं लोग, जिनको लग रहा है कि हमारे गुरु जी हैं। ये देखो ये बंदा तालियां बजाएगा उसके लिए, सफेद वाला ये बंदा, भाई साहब जिम में तालियां बजी है भाई इनके लिए, ओ भाई साहब स्टड बन गया जिम का भाई,
सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वीडियोस देख के आप कुछ सीखेंगे, और इन वीडियोस का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों की गलती है तो हाँ हाँ वो गलत कर रहे हैं, नहीं, दूसरों की गलती है तो उसको सीखो उससे और अपनी वो गलती मत करो जो मैंने आपको बताई है। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं जाने अनजाने में, आप देखेंगे हर जिम में, मैं ये लिख के रख सकता हूँ स्टैम्प पेपर में, हर जिम में ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, और एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे। और ये भी आप देखना, जिन लोगों की अच्छी फिजिक होती है ना वो कभी ये सब नहीं करते, वो कभी भी आपको 30-30, 40-40 स्प्रिंट लगा के नहीं मारते हुए देखेंगे, क्योंकि उनको पता है जो लोग फिटनेस में है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स ओवर द पीरियड ऑफ गेम्स। अगर ये सब चीज़ें करेंगे आप कभी भी एक लॉन्ग टर्म करियर या फिट नहीं रह पाएंगे, बिकॉज आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन कर देंगे, जॉइंट्स में लगेगा आपको, इंजरीज आपके आसपास ही रहा करेंगी। ऑन दैट नोट थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।